हेलो एवरीवन। तो जीएस का पेपर 2 भी सामने आ गया है। जो लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं उन्होंने ये पेपर प्रोवाइड किया है, तो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन था अबाउट द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो सिस्टम है हमारे देश में उसके बारे में। तो यहाँ पे बात की गई है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम इन इंडिया हैज़ नॉट प्रूव टू बी इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस। इसको क्रिटिकली एग्जामिन करना है द स्टेटमेंट एंड गिव योर व्यूज़ टू इम्प्रूव द सिचुएशन। ये 150 वर्ड का है। देखो, याद रखना जो भी 150 वर्ड्स वाले हैं, जिसमें 150 वर्ड्स लिखने हैं, वो 10 मार्कर क्वेश्चन है, और जिन भी क्वेश्चन में 250 वर्ड्स लिखने हैं वो 15 मार्कर क्वेश्चन है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन था, क्रिटिकली एग्जामिन दी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट। तो करंट अफेयर्स का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया गया है 2014 विद रेफरेंस टू अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज ऑफ हायर जुडिशरी इन इंडिया। ये भी 150 वर्ड्स का था। साइमल्टेनियस इलेक्शन टू द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबलीज विल लिमिट द अमाउंट ऑफ द टाइम एंड मनी स्पेंड इन इलेक्शनरिंग बट इट विल रिड्यूस द गवर्नमेंट्स अकाउंटेबिलिटी टू द पीपल। डिस्कस। तो देखो, हमने जो विजन में कवर किया था अभी कुछ दिनों पहले ही, उसके अंदर जो हमने हाइब्रिड सिस्टम के बारे में बताया था उसका यूज इस वाले क्वेश्चन के अंदर कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन था, हाउ डू प्रेशर ग्रुप्स इन्फ्लुएंस इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस। तो गवर्नेंस का पार्ट था। डू यू एग्री विद दिस व्यू दैट इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स हैव एमर्ज्ड एज पावरफुल दैन फॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स इन रीसेंट ईयर्स। फिफ्थ क्वेश्चन था, डिस्कस द रोल ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। इंपॉर्टेंट, कमिटीज के ऊपर भी क्वेश्चन आया है, इन एस्टैब्लिशिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल। सिक्स्थ क्वेश्चन वॉज टू एंश्योर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एड्रेसिंग वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन नीड्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी सेगमेंट इज टू बी सिंक्रोनाइज विद द एंटीसिपेटेड आउटकम्स। एग्जामिन द स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ वॉश स्कीम। तो जो वॉश स्कीम है उसकी फुल फॉर्म है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। सेवेंथ क्वेश्चन था, अबाउट डज द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 एंश्योर इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर एम्पावरमेंट इंक्लूजन ऑफ द इंटेंडेड बेनिफिशियरी इन द सोसाइटी। इसको डिस्कस करना था, ये भी 150 मार्कर क्वेश्चन था। एट क्वेश्चन, हंगर एंड पॉवर्टी आर द बिगेस्ट चैलेंजेस फॉर गुड गवर्नेंस इन इंडिया। हंगर एंड पॉवर्टी, इवेल्यूएट हाउ फार सक्सेसिव गवर्नमेंट हैव प्रोग्रेस्ड इन डीलिंग विद द ह्यूमैग्नस प्रॉब्लम, सजेस्ट मेजर्स फॉर इम्प्रूवमेंट। तो इसके अंदर आपको जितने भी 5 ईयर्स प्लान हैं उनको लिंक करते हुए हंगर और पॉवर्टी को दिखाना था, शोकेस करना था। चाइना इज़ यूजिंग इट्स इकोनॉमिक रिलेशंस एंड पॉजिटिव ट्रेड सरप्लस एज टूल टू डेवलप पोटेंशियल मिलिट्री पावर स्टेटस इन एशिया। ठीक है। इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया एज नेबर। तो इसमें आपको चाइना की जो एमर्जिंग पावर है उसके बारे में डिस्कस करना है। व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इकोसोक। एक्सप्लेन डिफरेंट फंक्शनल कमीशंस अटैच टू इट। तो देखो, ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इस वाले क्वेश्चन का हाई है, पर अगर आप प्रीलिम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो 2018 के लिए तो आप इस ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ना ना भूलिएगा। 11th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सेलियंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016। मतलब ये क्वेश्चन है जीएसटी के ऊपर। डू यू थिंक इट इज एफिकेसियस एनफ टू रिमूव द कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस एंड प्रोवाइड फॉर कॉमन नेशनल मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। करंट क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। एग्जामिन द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट इन द लाइट ऑफ द लेटेस्ट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन द राइट टू प्राइवेसी। बहुत ही करंट क्वेश्चन। एक और, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजंस फॉर होल्डिंग जॉइंट सेशंस ऑफ टू हाउसेज इन द पार्लियामेंट एंड रेट द ओकेजन व्हेन दिस वुड नॉर्मली हैपन एंड ऑल्सो द ओकेजन व्हेन इट कैन नॉट विद रीजन देयर ऑफ। तो लक्ष्मीकांत से ये वाला क्वेश्चन ईजिली कवर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो 14th क्वेश्चन था, अबाउट टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज प्रपोज इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन 2016। तो इन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के अंदर हमने जब विजन डिस्कस कर रहे थे तब भी किया था, वो सारे रिफॉर्म्स बताने हैं जो भी 2016 के अंदर आए थे, चाहे वो 2000 रुपये पे लिमिट करना हो या जो भी रिफॉर्म्स दिए गए थे। व्हाट आर दी सजेस्टेड रिफॉर्म्स एंड हाउ फार आर दे सिग्निफिकेंट टू मेक डेमोक्रेसी सक्सेसफुल। देखो, ये सब 250 मार्क क्वेश्चन है, तो इसमें मतलब 250 वर्ड्स क्वेश्चन है, तो इसमें आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। इन द नेशनल कमीशन ऑफ
फॉर वुमेन एबल टू स्ट्रेटेजाइज एंड टैकल द प्रॉब्लम दैट वुमेन फेस एट बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट स्फीयर्स, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के बारे में यहाँ पे एनमरेट करना था। द रीज़न इज कि इसके ऊपर करप्शन के चार्जेस बहुत सारे लगे हैं पिछले कुछ दिनों में। 16th, द एमरजेंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स पॉइंट्स टू द स्लो बट स्टेडी विड्रॉल ऑफ द स्टेट फ्रॉम डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। एग्जामिन द रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज एंड द मेजर टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड टू द SHGs। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और करंट क्वेश्चन से लिंक करके आप इसे लिख सकते हो। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया रिमेन मेयर शो पीस अंटिल एंड अनलेस दे आर बैक बाय पॉलिटिकल विल। जब पॉलिटिकल विल ही नहीं होगी तो पॉवर्टी एलिवेशन कैसे होगा हमारे देश के अंदर। डिस्कस द रेफरेंस टू द परफॉर्मेंस ऑफ द मेजर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया। 18th क्वेश्चन, इनिशियली सिविल सर्विसेज इन इंडिया वर डिजाइन टू अचीव द गोल ऑफ न्यूट्रैलिटी एंड इफेक्टिवनेस विच सीम्स टू बी लैकिंग इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। डू यू एग्री विद द व्यू दैट ड्रास्टिक रिफॉर्म आर रिक्वायर्ड इन सिविल सर्विसेज। द क्वेश्चन ऑफ इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक प्रोग्रेस। एनालाइज इंडियाज एनर्जी पॉलिसी कोऑपरेशन विद वेस्ट एशियन कंट्रीज। 250 वर्ड्स का ये क्वेश्चन था। और लास्ट क्वेश्चन था अबाउट इंडियन डायस्पोरा हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इकोनॉमी एंड सोसाइटी। अप्रेज द रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन साउथ ईस्ट एशिया इन कंटेक्स्ट। तो देखो, अगर इस वाले पेपर की बात करें GS पेपर 1 के मुकाबले और पिछले साल से भी कंपेयर करें, देखो पैटर्न जो है उसको चेंज किया है UPSC ने। पहले 12.5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते थे, अब उसको 10 मार्कर और 15 मार्कर क्वेश्चंस में डिवाइड कर दिया है। साथ ही GS पेपर 2 का जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा अबव एवरेज पेपर था और कहीं ना कहीं इसकी मार्किंग भी उसी हिसाब से होगी और पेपर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। ओके, तो वेट करते हैं कल सुबह की और देखते हैं कि GS पेपर 3 के अंदर क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। अभी के लिए अलविदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर गाइस एंड हैव अ गुड डे अहेड।